बेरमो विधान क्षेत्र के बरवा बेड़ा गांव के विस्थापितों की समस्या सीसीएल बी एंड के प्रबंधन द्वारा हल नहीं करने के विरोध में सोमवार को बेरमो विधायक कुमार जयमंगल सिंह उर्फ अनुप सिंह ने बरवा बेड़ा कोणार्क रेलवे साइडिंग दौरा कर विस्थापितों की समस्या हल होने तक बंद कर दिया। इसके बाद विधायक श्री सिंह ने करगली रेस्ट हाउस में महाप्रबंधक एम के राव सहित अन्य अधिकारियों के साथ वार्ता कर बरवा बेड़ा के विस्थापितों को जमीन के बदले नियोजन देने, शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने, शिफ्टिंग करने आदि मांगे पूरी होने तक रेलवे साइडिंग बंद रखने को कहा। मुझे विधायक बने हुए 1 साल से ऊपर हो गया है। मैं जब विधायक बना था तो मैंने कारों विस्थापितों को लोग के इनके साथ बैठक की गई थी। आज तो कारों का दौरा नहीं हुआ है, लेकिन कारों का दौरा मैं 16 तारीख को करूंगा। और अगर कारों का भी अनियमितता बरती जाएगी कारों में भी, तो कारों को भी हम लोग बंद कराने का नोटिस SDO के माध्यम से और DC के माध्यम से मैनेजमेंट को सर्कुलेट कराने की कोशिश की जाएगी। बरवा बेड़ा साइडिंग क्यों बंद किया गया? अभी बड़वा बेड़ा साइडिंग की ये स्थिति है कि पहला बात तो ग्राम सभा बिना हुए हुए बड़वा बेड़ा हुआ। अभी इन्होंने कहाँ से CTO ले लिया इसकी जानकारी मुझे नहीं है। ग्राम सभा इनको बुलानी चाहिए थी, माइंस का आपको मिला हुआ है, लेकिन उसी माइंस में आप रेलवे साइडिंग भी चला रहे हैं। उसके बाद बिना विधायक को या फिर बिना ग्राम सभा किए हुए आप लोग ने साइडिंग भी चालू कर दी। चल लीजिए, ठीक है, कोई नियोजन आ रहा है, रोजगार बढ़ रहा है, डिस्पैच बढ़ रहा है, उसी का प्रोडक्शन हो रहा है, वो अलग बात है। लेकिन लेकिन गांव को बिना सुविधा दिए हुए 1948 एक्ट, पार्लियामेंट्री एक्ट जो है, उसका उल्लंघन किए जाने पर इनको भी समझना होगा कि क्या क्या कार्रवाई हो सकती है। पीने का पानी गांव से वंचित कर दिया गया, पाइपलाइन को काट दिया गया। रोड, गांव से रोड जो अप्रोच रोड है उसको काट दिया गया। गांव से जो बाहर निकलने वाला रोड है उसको मिट्टी ध्वस रोड कर दिया गया। क्योंकि मैं इसलिए ये सब बोल रहा हूं क्योंकि मैं कोल इंडिया परिवार से, आज से नहीं, मेरे पिताजी का 50 साल पुराना संबंध है, कोल इंडिया की राजनीति और यूनियन की राजनीति करते आए। ये सब एक हथकंडा होता है मैनेजमेंट के द्वारा कि गांव को सुविधा मत दो, गांव धीरे धीरे उठ के वहां से भागेगा। होगा क्या कि गांव एक जगह पे जाके सीमित हो जाएगा, कोयला निकाल लिया जाएगा और कोयले के माध्यम से गांव को जो नौकरी देना था, कोयले के माध्यम से गांव का जो पुनर्वास करना था, उससे गांव वंचित हो जाएगा। इसलिए हम लोग ने ये निर्णय लिया है कि बड़वा बेड़ा साइडिंग, कोणार्क साइडिंग तब तक नहीं चालू होगा जब तक बड़वा बेड़ा के लोगों का सत्यापन के द्वारा, जिसका जिसका सत्यापन हो चुका है उसका कितने का नौकरी आप दे रहे हैं ये बताइए। बड़वा बेड़ा के लोगों को जो वहाँ पे रह रहे हैं उनका शिफ्टिंग प्रोसेस कहाँ कहाँ है, उनके जमीन अलॉटमेंट दीजिए उनको। अभी तक जमीन अलॉटमेंट उन्होंने नहीं दिया है। हाँ, एक फेज है जिसका दौरा हम लोग ने भी किया था, लेकिन उस पर अभी तक किसी को ये नहीं बताया गया है कि आपका ये जमीन है, आपका ये प्लॉट है, आपका ये प्लॉट है। प्लॉट वेरिफिकेशन ये करें तब जाके बड़वा बेड़ा कोणार्क साइडिंग हम चालू कराएंगे। प्लॉट वेरिफिकेशन प्रत्येक घर होना चाहिए। जो इस मौके पर SDO अनंत कुमार, SDPO सतीश चंद्र झा, GM एम के राव, लैंड एंड रेवेन्यू ऑफिसर बी के ठाकुर, SOCR के प्रधान, SONM सुबोध चट्टोपाध्याय, बोकारो थर्मल थाना प्रभारी आर के सिंह, बेरमो प्रखंड कांग्रेस अध्यक्ष प्रमोद लिन, विल्सन फ्रांसिस बबलू, सुनील सिंह, अरुण सिंह आदि उपस्थित थे। विधायक श्री सिंह ने कहा कि बिना ग्राम सभा किए बरवा बेड़ा कोणार्क साइडिंग को चालू किया गया है। 100 मीटर के दायरे में गांव रहने को बावजूद प्रबंधन द्वारा हेवी ब्लास्टिंग की जाती है।